असलकम एवरी वन होप यू are डूइंग वेल well. तो आज का टॉपिक है हमारा स्परेटिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन जब ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं बायो में तो हमारे पास कुछ सिस्टम्स आ जाते हैं जिनको पढ़ना और उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है तो इसी मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल दोनों का अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी वीडियोज़ में तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा मैं उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो ज़रूर देख लीजिएगा एक दफ़ा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी चेक कर सकता है तो आज स्टार्ट करते हैं स्क्रेटरी सिस्टम से स्क्रेटरी सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं आफ्टर मेटाबॉलिक रिएक्शन द बॉडी स्टार्ट टू सार्ट आउट यूजुल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन एन इंडिविजुअल एज वी ऑल नो दकोमलेशन ऑफ द टॉक्सेंस मे बी हार्मफुल एंड द बॉडी रिमूवस ऑल द मेटाबालिक वेस्ट बाई द प्रोसेस कल्ड स्क्रेशन यानी कि जितने भी हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं यानी कि जितने भी ऊपर जो प्रोसेस होते हैं जब वो हो जाते हैं तो उनका जो भी वेस्ट होता है जब वो हमारे पास हमारी बॉडी में रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्क्रेशन

एसिड और जब हम इंसेक्ट्स और बर्ड्स की बात करते हैं तो वो मेनली यूरिक एसिड्स की फॉर्म में जो है वो अपने वेस्ट को एक्सट्रीट करते हैं और अगर हम ह्यूमस की बात करते हैं तो ह्यूमन प्रोड्यूस यूरियाट्री सिस्टम ऑर्गैन द ह्यूमन इंस्क्रेटरी सिस्टम ऑर्गैन इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनीस अपेयर ऑफ़ यूरेटर्स यूरिनरी ब्लडर एंड यूरेथ्रा हम स्क्रेटरी सिस्टम ऑर्गैनस को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास किडनी आ जाती है किडनी आर बीशेप स्ट्रचर लोकेटेड ऑन एज साइड ऑफ द बैक बोन एंड आर प्रोटेक्टेड बाई द रिब्स एंड मसल ऑफ द बैक यानी कि किडनी जो होती है वो एक बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो लोकेटेड होते हैं कहाँ पे एज अ साइड ऑफ द बैक बोन एंड आर प्रोटेक्टेड बाई द रिप्स एंड मसल ऑफ द बैक Each human adult kidney has a length of 10 to 12 cm and a width of 5 to 7 cm and weights around 120 to 170 gram. The kidneys have an inner concave structure. Inner concave structure, hota hai the blood vessels, ureter, and nerves, and enter the kidney through the helium, which is a notch at the inner concave surface of the kidney. द रीनल इनर टू हीलियम एक हमारे पास लार्ज फ्यूनल शेप स्पेस होती है जो कहाँ पे होती है इन प्रेजेंट इनर टू हीलियम इज हैज मेनी प्रोजेक्शन नॉन एज कैलेक्स ठीक है जो प्रोजेक्शन होंगे आप हम उसको कैलेक्स बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को भी देख लेते हैं कैप्सूल द आउटर लेयर इज कॉल्ड कैप्स्यूल

ग्लमरस इज कैरीड अवे बाई द एफरेंट एट्री जो उसकी एफरेंट एट्रियोल्स होते हैं उनसे ब्लैड कैरी करता है फ्रॉम ग्लोमरस ठीक है अब द रल टेब्यूल की जब हम बात करते हैं तो ये स्टार्ट विद अ लाइक स्ट्रक्चर कॉल बॉमिन कैप्सूल इसमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बॉमिस्स कैप्स्यूल कहते हैं एंड दिस इंक्लोजेज द ग्लोमरस ये किसको इंक्लोज करते हैं ग्लोमरस को द मालफीबियन बॉडी कंसिस्ट ऑफ ग्लैमरस मालफीगिन जो बॉडी होती है वो कंसिस्ट होती है ग्लैमरस से एंड बॉमिस कैप्सूल से दायरी कोयल स्ट्रक्चर इन द टेब्यूल नेक्स्ट टू द बॉमेंस कैप्स्यूल इज द प्रॉक्सीमल कॉन्विलेटेड टेब्यूल हमारे पास हैंडलीज लोप आ जाती है द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टेब्यूल इज हैंडलीज लोप विच एज एन असेंडिंग एंड अ डिसेंडिंग लिम्प जब जिसके पास असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों आज असेंडिंग लोब कंटिन्यू एज अ डिजिटल कॉन्विटी ट्रिब्यूल द डिजिटल कॉन्विटे ट्रेब्यूल ऑफ मेरी ओपन इन टू द कलेक्टिंग डेट अब वो कह रहे हैं कि असेंडिंग लोब जो होती है वो कंटिन्यू करती है एज अ डिजिटल कॉन्व्यूटी ट्रिब्यूल और इसके जो है वो मेनी निफ्रोन्स है, होते हैं जो ओपन होते हैं इन टू द कलेक्टिंग डट द कॉर्डियल रीजन ऑफ द किडनी कम्प्राइजेस ऑफ मलफीगियन प्रोसीमल कॉन्विटी ट्रेब्य ट्रेब्यूल एंड

अंदर ही जा सकती है मेड्यूला के और जो हमारे पास दूसरी होती है जेक्सटा मेड्यूलरी वो उसकी लॉप ऑफ एनल वेरी लॉन्ग एंड रन डीप इन टू दी मेड्यूला ठीक है तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ़ किडनी भी देख लिया मैंने यहाँ पे शेयर किए पिक्चर उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा कि जो जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में पढ़ा है कैप्स्यूल नेफ्रोन हैंसलोप ये सब चीज़ें आपको मेंशन है यहाँ पे तो वो अच्छे से देख लीजिएगा इससे आपको और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्लियर हो गया होगा उस हम आ जाते हैं स्क्रीटी और गैनस के हमारे पास यूरेटर के क्योंकि किडनी के बाद हमारे पास अपेयर ऑफ यूरेटर जाते आ जाते हैं अपेयर ऑफ थिन मस्कुलर ट्यूब्स कॉल द यूरेटर कम्स आउट ऑफ द ईच किडनी एक्सटेंडिंग फ्रॉम द रीनल पेलवेज इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी बेड यानी कि यूरेटर का क्या काम है एक मस, आ, मतलब ये दो जो है वो हमारे पास थिन मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं जो कि कह, कहाँ से निकलती हैं ईच किडनी से एक्सटेंडेड फ्रॉम द रीनल पेल्विस रीनल पेल्विस से निकलती हैं और एक्सटेंड होती है और ये क्या करती है यूरिन को कैरी करती है फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर पीट ऑर्गेन में यूरेटर के बाद हमारे पास आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर इट इज अ मस्कुलर सैकल स्ट्रक्चर विच यूरिनरी ब्लैडर इज एमपिटी बाय द प्रोसेस ऑफ मिकेशन द एक्ट ऑफ यूरिनेशन यानी कि यूरिनरी ब्लैडर की जब हम बात करते हैं बस ये एक मस्कुलर सैक्क स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है यूरिन को इसका सिर्फ यही फंक्शन है और ये एम्पिटी हो जाता है जब हमारे पास यूरिनेशन का प्रोसेस हो जाता है पिटी ऑर्गेन में हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेट्रा आ जाता है दिस ट्यूब अराइजेस फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर ये जो ट्यूब होती है ये अराइस होती है कहाँ से यूरिनरी ब्लेडर से एंड एंडस टू एक्सपिल यूरिन आउट ऑफ द बॉडी और यूरिन को हेल्प करती है आउट ऑफ द बॉडी इन मेल्स इट एज द कॉमन रूट फॉर स्पर्म एंड यूरिन। इट्स ओपनिंग इज गार्डेड बाई दर मसल मैंने आपको स्ट्रक्चर भी शो किया है पूरे स्क्रेटरी सिस्टम का कि किस तरह से ह्यूमन में होता है फर्स्ट पे आपके पास यूरेट्रा रहा है सेकंड पे किडनी थर्ड पे यूरिनरी ब्लैडर और फोर्थ पे हमारे पास शो हो रहा है ये सारे हमारे पास स्क्रेटरी ऑर्गैन हैं मैंने इनका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे शो किया है कि आपको अच्छे से पता हो जो अभी आपने पढ़ा है यहाँ पर हमारे पास स्क्रेटरी ऑर्गैनस की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है अब हम देखते हैं स्क्रेशन इन ह्यूमन किस तरह से होती है स्क्रेशन इज द प्रोसेस वेयर ऑल द मेटाबोलिक वेस्ट आर रिमूव फ्राम द बॉडी ये जैसा कि हमने पहले बात की थी स्क्रेशन इन ह्यूमन इज कैरिड थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड इंटरनल ऑर्गे इन अ सीरीज ऑफ प्रोसेस डिफ्यूजन इज द मोस्ट कॉमन प्रोसेस ऑफ स्क्रीशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो हमारे पास लोअर ऑर्गेनिज्म जो यानी कि जो छोटे ऑर्गेजम्स होते हैं उनमें डिफ्यूजन मोस्ट कॉमन प्रोसेस स्क्रीशन का ह्यूमन बॉडी इज एन एक्सेप्शनल मशीन डिफरेंट लाइफ प्रोसेस रिस्पायरेशन सर्कुलेशन डायजेस्टन एट्सेट्रा टेक प्लेस सिमल्टेनियसली एज अ रिजल्ट मेनी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसड इन अवर बॉडी आर इन वेरियस फॉर्म्स डट इंक्लूड कार्बन डाईऑक्साइड वाटर एंड नाइट्रोजनियस प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया अमोनिया एंड यूरिक एसिड यानी कि वो बता दें कि हमारी जो बॉडी है वो माशाला से एक ऐसी मशीन मशीन है जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लाइफ प्रोसेस होते हैं रिस्पायरेशन सर्कुलेशन डाइजेशन तो इसके रिजल्ट्स में क्या होते हैं कि मैनी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो हमारी बॉडी में फाउंड होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वाटर हो गया नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स लाइक अमोनिया यूरिक एसिड यूरिया इन सब चीज़ों का तो इसके लिए एक्सन बहुत जरूरी है एडिशन टू दीज द केमिकल एंड अदर टॉक्सिक कंपाउंड्स फ्रॉम मेडिकेशन एंड हार्मोनल प्रोडक्ट्स आर आल्सो प्रोड्यूस सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू एलिमिनेट दीज वेट्स फ्रॉम आवर बॉडी यानी कि डिफ्यूजन से हमारे ये नहीं हो सकता ये काम वी नीड मोर कॉम्प्लेक्स एंड स्पेसिफिक प्रोसेस इन ऑर्डर टू एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस हैंस वी हैव किडनीज विद सेपरेट यूजफुल सब्सटेंस बाय रीअजॉर्बन एंड टॉक्सिक सबस्टेंसिस बाय प्रोड्यूसिंग यूरिन ठीक है यानी कि यूरिन को प्रोड्यूस करने से क्या होता है कि हम सेपरेट कर सकते हैं रीअब्सॉर्बेशन एंड सब्सटेंस को स्ट्रक्चरल फिल्ट्रेशन यूनिट टॉक्सटेंस वेयर द ब्लड इज फिल्टर किडनी के पास जो है वो एक स्ट्रक्चर फिल्ट्रेशन यूनिट है जिसको हम नेफर कह सकते हैं जहां पे ब्लड जो है वो फिल्टर होता है ऑफ किडनीज फिल्टर द ब्लड सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज ऑफ वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन आर कन्वर्टेड टू यूरिन जितना भी हमारे पास एक्सेस वाटर होता है और नाइट्रोजनस वेस्ट होता है कन्वर्ट हो जाता है यूरिन में यूरिन थर्स प्रोड्यूस इज पास टू दूर वी आर दूर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम द ब्रेन सिग्नलरी ब्लडर टू कॉन्ट्रेक्ट एंड थ्रू दूनटरी ओपनिंग कॉलिथ्रा वीज क्रिएट दूरन यानी कि इस तरह से हमारे पास जो है वो स्क्रेशन होती हैं ह्यूमस में कि किस तरह से हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो पता चलता है यूनिट ब्लैडर से ऑर्डर आता है और फिर ब्रेन सिग्नल्स द दूनिट ब्लैडर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड थ्रू द दूनिट ओपनिंग यानी कि जो यूनिटी ओपनिंग है हमारे पास जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं वेस्ट वेर द यूरिन तो फाइनली हमारे यहाँ पे स्क्रेट सिस्टम ऑफ ह्यूमन का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्क्रिप्टी सिस्टम ऑफ ह्यूमन किस तरह से काम होता है और किस तरह से ह्यूम में इंस्क्रिप्शन होती है लेकिन अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है कोई भी इशू है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जवाब दे सकूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफि अपना ख्याल रखिएगा और अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा